भांग। इस शब्द से रहस्यवाद, अध्यात्मवाद या केवल परमानंद की गंध आती है। भांग का उपयोग भारत में तपस्वियों के बीच एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है। भांग को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, जो स्वयं एक परम तपस्वी माने जाते हैं। इंडियन कैनबिस यानी भांग। इस भांग से हमारी मुलाकात तब हुई जब हम उज्जैन पहुंचे। हम शिव मंदिर के बहुत करीब प्रसिद्ध केसर ठंडाई की दुकान पर गए, लेकिन इसके प्रभावों के डर से हमने बहुत अधिक प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वहां के स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो भाई महाकाल का घनघोर भक्त निकला। बोला, महाकाल आए और भांग नहीं पी तो क्या खाक महाकाल आए। अब ऐसे में हम महाकाल के श्राप को झेलने का रिस्क तो नहीं ले सकते, इसलिए हमने भी लगा लिया लिटिल लिटिल। जिस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं। जय श्री महाकाल। बहुत ही सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। गोपाल पहलवान, देवास गेट, हरिओम भांगोटा जी। ये बोलिए, बताइए कितनी साल, 50 साल से चला रहे हैं हम ये दुकान जी। हाँ, सरकार से मान्यता प्राप्त। हाँ, सरकार से मान्यता प्राप्त है। मतलब क्या क्या वैरायटी रहती है इसमें? ठंडाई रहती है, सब सादी ठंडाई, भांग की ठंडाई, गुलूकंद, चूरन पाउडर, सूखी पत्ती, ये सब मिलता है हमारे यहाँ। अच्छा, जहाँ तक देखा गया है, जहाँ जहाँ शिव की नगरी रही है वहाँ वहाँ ये प्रसाद लोगों में निरंतर बढ़ता रहा है। हमारे महाकाल की नगरी में 6 दुकान है भांग की, और हमारे यहाँ 50% लोग भांग पीते हैं। इसके अलावा दारू नशे से थोड़ा सा दूर रह के भांग पीने वाला दारू नहीं पीता है। थोड़ा सा बताइए क्या क्या कैटेगरी है यहाँ पे? हम देख रहे हैं कि कई कैटेगरी में 3 अलग अलग प्लेटों में भांग 50 रुपए का गोला है, 10 रुपए का गोला है, 20 रुपए का गोला है। यानी लोग अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे अपना नशा। चूरन 50 रुपए का 50 ग्राम है, पाउडर 80 रुपए का 50 ग्राम है जी। गुलूकंद है हमारे यहाँ। तो फिर भी अगर देखा जाए तो कितने का बाजार है यहाँ पे टोटल? डेली कितने? लाखों रुपए का सेल है यहाँ डेली का 5-6 दुकान पे। तकरीबन सिर्फ अगर बात की जाए इस दुकान की तो यहाँ पे डेली कितने गोले या ग्राहक रोज के? यहाँ रोज के 8-10 किलो माल बिक जाता है। 8-10 किलो बिक जाता है। ये हमारा सुनील पहलवान है, देवास गेट केसरी है ये सुनील बाबा है, ये देवास गेट के किंग है ये। उधर मक्खी खड़ा हुआ, उधर ठाकुर साहब खड़े हुए हैं। लभी है इसको पीने से ज्ञान आता है, आज भी दूसरे नशों से बचता है। स्वास्थ्य पीना चाहिए, शांति होती है इससे पीने से। इसमें लड़ाई झगड़े का कोई वो नहीं रहता महत्व, परिवार बहुत सुरक्षित रहता है, जैसा बन जाता वैसा सुरक्षित खाता है, बने दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं इसमें, और हर चीज सफल होती है, हर काम सफल होते हैं, अपना परिवार भी सफल होता है। जो भोले जी भी हमें देखे घूट रहे हैं। जय महाकाल। बस हो गया काम, तुम्हारा टाइम हो गया, आगे निकल जाए। सफेद कपड़ा एक बाल्टी से बंधा हुआ है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। बाल्टी में रखे सामान पर ध्यान दीजिएगा। भांग पाउडर को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा आटा बनाया जाता है। तह से बॉल्स वाली थाली हमेशा तैयार रखी जाती है। लोगों ने ऑर्डर किया, प्रत्येक कप के लिए एक छोटी सी गेंद ली और उसे कपड़े में डाल दिया। फिर उसने उसे कपड़े पर रगड़ना शुरू कर दिया और साथ ही उस पर दूध या पानी डाला।
भाई दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करना अपने आप में एक अच्छा अनुभव था। हर हर महादेव, हर हर महाकाल।